एक निर्णय लिया है। हर महीने जो हमारे प्रभारी मंत्री हैं वो तहसील में जिले के किसी न किसी तहसील में जनता दरबार लगाएंगे और पूरे जिले के स्तर के अधिकारी और जनता हमने सामने होगी और हम समस्याओं का निराकरण करेंगे। जिनका तत्काल निराकरण हो सकता है उनका तत्काल निराकरण करेंगे, जिन समस्याओं का निराकरण प्रदेश के स्तर पर होना है उनका प्रदेश के स्तर पर निराकरण करेंगे। और इस तरह का अभियान आज उसी कड़ी में आज यहाँ भीमताल के जो हमारे आम जनता थी आज हमने उनकी समस्याओं को सुना, बहुत सारी समस्याओं का निराकरण तत्काल लिया और कुछ जो समस्या शासन स्तर पर थी उनको हमने शासन स्तर पर निर्णय लेने का निर्णय लिया है। आज यहाँ मंडी की बहुत पुरानी मांग भीमताल में थी, हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि भीमताल में एक मंडी की स्थापना की जाएगी जिससे यहाँ के किसान में निश्चित रूप से माननीय हाईकोर्ट ने जो डिसीजन दिया है इस दिशा में, क्योंकि यहाँ प्रभारी मंत्री होने के नाते और जो नैनीताल में आम जनता ने आपने खुद ही महसूस किया होगा कि जिससे आम जनता को बड़ी असुविधाएं हो रही हैं, सड़क का निर्माण नहीं हो पा रहा है, उसका जीर्णोद्धार नहीं हो पा रहा है, इसको लेकर माननीय हाईकोर्ट के जो निर्णय है हमारी सरकार ने निर्णय लिया है, इसको लेकर हम माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, अपनी बात को रखेंगे कि प्रदेश की जनता के लिए, नैनीताल की जनता, जिले की जनता के लिए उनके हित में ये बहुत ज़रूरी है कि सड़कें बने, सड़कों का जीर्णोद्धार हो जिससे कि आम जनता को सुविधा मिले। तो माननीय हाईकोर्ट के इस निर्णय को हम निश्चित रूप से माननीय सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे।